सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही का सिलसिला जारी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हो रही है। अब्दुल्ला आजम की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है। अब तक 16 गवाहों ने बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। बचाव पक्ष अब्दुल्ला आजम की ओर से 16वें गवाह दिलीप शंकराचार्य का क्रॉस एग्जामिन किया गया। एक और गवाह तंजीन शैलेश को डिस्चार्ज कर दिया गया। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही का सिलसिला जारी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हो रही है। अब्दुल्ला आजम की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है। अब तक 16 गवाहों ने बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। बचाव पक्ष अब्दुल्ला आजम की ओर से 16वें गवाह दिलीप शंकराचार्य का क्रॉस एग्जामिन किया गया। एक और गवाह तंजीन शैलेश को डिस्चार्ज कर दिया गया। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही का सिलसिला जारी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हो रही है। अब्दुल्ला आजम की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है। अब तक 16 गवाहों ने बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। बचाव पक्ष अब्दुल्ला आजम की ओर से 16वें गवाह दिलीप शंकराचार्य का क्रॉस एग्जामिन किया गया। एक और गवाह तंजीन शैलेश को डिस्चार्ज कर दिया गया।